भाजपा कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा और वहीं बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आदर्श नगर इलाके से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। किरण माहेश्वरी ने राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया और इधर सूर्यकांत व्यास ने जोधपुर के सुरसागर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। वहीं ममता भूपेश ने सिकराय से और डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाकों में कैसे शक्ति प्रदर्शन के जरिए जिनको टिकट मिला है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। कोई जुलूस की शक्ल में तो कोई पहले मंदिर पहुंचा, वहां मत्था टेका और उसके बाद अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर्चा दाखिल किया। इधर पूर्व विधायक करण सिंह ने छबड़ा से और पूर्व विधायक गोपाल मीणा ने जम्वा रामगढ़ से, रीटा चौधरी ने मंडावा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। तो वहीं अशोक डोगरा ने बूंदी से, प्रेम सिंह बाजौर ने नीमका थाना से, अमृत लाल मीणा ने सनुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छबड़ा जम्वा रामगढ़ की तस्वीरें हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां जहां से जिनको टिकट मिला है वो दिग्गज यहां पहुंचे पर्चा दाखिल करने के लिए। हालांकि 19 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और उससे पहले हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द पर्चा दाखिल हो और उसके बाद चुनाव प्रचार में जुट जाए। इधर गोगुंदा से भाजपा उम्मीदवार और सिटिंग विधायक प्रताप लाल गमेती ने सलूम्बर से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा ने, पचपदरा से भाजपा प्रत्याशी अमरा राम चौधरी ने, उदयपुर वाटी से कांग्रेस प्रत्याशी भगवान राम सैनी ने, टोडा भीम से कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज मीणा ने और वैर विधानसभा क्षेत्र से समता आंदोलन समर्थित प्रत्याशी भूपाल महावर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। तो ये और 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गोगुंदा, सलूम्बर, पचपदरा और इसके अलावा कुछ और इलाके जहां आप देख सकते हैं कि कई नेता यहां पहुंचे जिनको टिकट मिला है अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की और उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन की भी यहां कोशिश। वहीं श्री